नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भैया इतने खराब और छोटे टिंडे कैसे लाते हो ये टिंडे? ठीक है आधा किलो कर। हाय डार्लिंग। निकी वेयर आर यू यार? टिंडे खरीद रहे हो आपके लिए। वापस आ जाओ, दिमाग खराब हो रहा है मेरा यहाँ पे। जल्दी करो, उनका दिमाग खराब हो रहा है। ओहो, क्या त्रिपाठी जी, क्या है ये? क्या ओहो? हो क्या? अरे भाई ये आपकी कैरियर का हिस्सा है त्रिपाठी जी, यही आपने सारी गंदगी फैला के रखी हुई हाथ है, यही आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, समझ में आई बात? आओ इसको हटाओ और यहाँ पर रेड बल्ब और ये कॉइंस लगाओ 18। ए एक मिनट, मेरे सामान कोई हाथ नहीं रहे, समझे ना, डोंट टच एनीथिंग। इतना गुस्सा क्यों है? यही निगेटिविटी है, इसको पॉजिटिविटी में बदलिए, थोड़ा हंसी ऐसे। पॉजिटिविटी? आप करियर के डॉक्टर हैं, हैं? यहाँ हाथी चूहा कछुआ मछली मेढक लगाने से मेरा करियर बन जाएगा, नॉवल छप जाएगा मेरा। छप तो जाएगा त्रिपाठी जी, लेकिन आपका इसमें बिलीव होना चाहिए। ये है मैं। What nonsense यार, don't touch anything। अजीब आदमी, ये फिर निकी जी ने यहाँ बुलाया क्यों? ये पूरी दीवार ऊपर से तोड़ देंगे और वहाँ पे 6x6 के स्क्वायर बना के ये लाफिंग बुद्धा रख देंगे और मेंढक रख देंगे। यहाँ पर राउंड बल्ब जो है लगाना बहुत जरूरी है। ये आलू के पराठे बनाए हैं आपके लिए, ये लीजिए। तुम इतनी सुपरस्टिशियस हो, आई कैन नॉट बिलीव इट। आपकी फिक्र है मुझे, इसीलिए तो ये सब कर रही हूँ। सोचो कोई तो बात है ना जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। यार आगे बढ़ के जाना क्या है ये तो डिसाइड कर लो पहले। तो जिंदगी ऐसे चलती रहेगी इसी मीडियोकर तरीके से? यार ये तरीका मीडियोकर नहीं है, तुम्हारी सोच है मीडियोकर। प्लीज स्टॉप ऑल ऑफ दिस यार निकी, प्लीज। व्हाई शुड आई? मेरा जो मन है वो करूंगी, अब होते कौन है मुझे रोकने वाले? हस्बैंड हूँ मैं तुम्हारा, वही होता हूँ। अच्छा हस्बैंड ऐसे नहीं होते जैसे आप हो, हस्बैंड हूँ। हस्बैंड के कर्म भी होते हैं, फैमिली के प्रति धर्म भी होते हैं। ये नहीं लिखा आपके अच्छे साहित्य में? ठीक है फिर। क्या क्या ठीक है फिर, मतलब क्या? अरे ठीक है फिर का मतलब ठीक है फिर, इतनी छोटी बात के लिए भी फेंग शुई से समझाना पड़ेगा क्या? एक मिनट बात कर, व्हाट डू यू मीन? साफ साफ बताना मतलब क्या इसका। स्टॉप इट, मैं बोल रहा हूँ बंद कर दो वरना मैं भी उल्टा हाथ मारूंगा ना, बत्ती सी आ जाएगी बाहर। उल्टा हाथ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझ पर हाथ उठाओगे? मुझ पर हाथ उठाओगे? समझते क्या अपने आप को? राइटर साहब हाथ लगा कर तो दिखाओ। स्टॉप इट यार, एनफ। किसे रहना इस जहन्नुम में? नहीं रहना है ना, चले जाओ यहाँ से। Get the hell out of here। दिखाता हूँ मैं अभी। अरे क्या दिखाओगे, अपने आप को दिखाओ। चाटो अपनी फेंग शुई। ब्लडी हेल, मुझे दिखाओगे? नहीं दिखे जी, जैसे ही इस घर में मैं घुसा फौरन समझ गया था कि बहुत ज्यादा ही निगेटिव एनर्जी है यहाँ पर। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ कि पेमेंट अभी ही करेंगे की बात? देवीर जी अब अभी के अभी आ जाओ, सिचुएशन इज वेरी डेंजरस। 20 रुपए रोज रेट बढ़ जाता है आप लोगों का। अजय क्या करें, हमें भी तो बच्चे पालने। बिस्कुट खा ले यार। यार त्रिपाठी कुछ हो सकता है तो देख ले यार। वलिया साहब अब वैलेंटाइंस डे पर तो नहीं लिखूंगा, हाँ डिवोर्स पे चाहते हैं तो लिख दूंगा। भाई कोई फैमिली टेंशन है क्या? हाँ है। तो मुझे बता ना, तू मेरे छोटे भाई जैसा है, एक मिनट में निपटा दूंगा। ठीक है वालिया साहब, आप मेरी सैलरी दुगनी कर दो। ठीक है भाई, कर दी तेरी सैलरी दुगनी। ओ बल्कि मैं तो तुझे 3 बेडरूम वाला फ्लैट देने की सोच रहा हूं और इसके साथ साथ एक बड़ी सी गाड़ी देने की सोच रहा हूं। डन 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 डन, अब तो खुश है। वाले साहब हर बात में मजाक करना जरूरी है क्या? भाई इस मजाक की शुरुआत तूने ही की है। हाँ शुरुआत कर दी है तो अब सैलरी भी दुगनी करनी पड़ेगी। माना तू एक अच्छा राइटर है इसलिए क्या मेरे सर पर नाचेगा? ओए दिमाग तो ठीक है तेरा? दिमाग ही तो ठीक नहीं है ना वालिया साहब, सड़ चुका हूं मैं यहाँ पे। अब आप बताओ सैलरी दुगनी करते हो या नहीं? तमकी वालिया को तमकी? हाँ पेंदे टके तेरे जैसे 36 राइटर मेरे पास आते हैं, समझा? तो ठीक है, उन ब्रा और पैंटी पे गजल लिखने वाले उन्हीं 36 राइटरों से करवा लो अपने वैलेंटाइन डे का कैंपेन। और मैं जाओ तुम लोग, आई क्विट।
और चला जा ओए यहाँ पे फिर लाइयो दोबारा। अबे इतने जूते मारूंगा कि राइटिंग करना भूल जाएगा। ओ जीजे हाँ? अब तुम्हें क्या चाहिए? ओ यार मैं तेरे को लेने आया हूँ यार। मुझे कोई बात नहीं। किसने लगा? बात तो सुन जीजे। स्यापा फिर शुरू कर दिया इसने। यार क्या तमाशा कर रहे हो? लोग जमा हो रहे हैं। कहाँ इतनी टेंशन में जा रहा है यार? सुन देख यार, देख बीवी की मार भी कोई मार होती क्या यार? कार चल, निकी से माफी मांग ले। तुझे मार खाना है ना तो तू जा, मुझे नहीं जाना। हाँ। यार बहन है वो मेरी, और बहन से थोड़ी ना मार खाते हैं, मार तो बीवी से खाते हैं। देख यार देव, मुझे नहीं जाना, मेरा दिमाग मत खराब कर। मैं छोड़ देना मुझे यार। क्यों छोड़ दूं यार, तू जीजा है मेरा, मैं कैसे? देख मैं पुलिस को बुला दूंगा। अरे पुलिस को क्या बुलाएगा, फायदा क्या भाई? पुलिस तो मेरी जेब में रहती है। तू तेरे को इंस्पेक्टर साहब, अरे इंस्पेक्टर साहब देखिए गुंडागर्दी कर रहा है ये। क्या भिड़ से लगा रखी है यहां पर? चलो कुछ नहीं हो रहा। क्या बात होगी? अरे कुछ नहीं हो गया सर, कुछ नहीं हो गया मैम। देखिए ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। अरे मैं जबरदस्ती कैसे करूंगा मैं? और जब मैंने कहा कि मैं पुलिस को बुला दूंगा तो कहते हैं ऐसी पुलिस तो मेरी जेब में रहती है। ओ ये तो बच्चों वाली बात हो गई यार, बच्चों वाली बात। जेब में रखेगा पुलिस? पुलिस जेब में कैसे आएगी मेरी यार? गाड़ी साइड में लगा, चल पेपर दिखा। फैमिली मैटर, मेरी बात तो सुनो जल्दी है। ढाई साहब इजाज़त है। एक मिनट भाई साहब, मेरी बात तो सुनो जीजा। अरे जीजा आपके चक्कर में मेरा जीजा चला गया यार। पेपर दिखा दे ना, तो गाड़ी भी जागी हाथ दे चल। अम्मा प्रणाम। कैसे हो मेरे बेटे? छुट्टी मिलते ही आते हैं हम कानपुर। अरे आ जाओ, और आपके हाथों का बना खाना खाएंगे हम फिर से। जरूर, राजमा चावल भी तो सीख गई हूँ बहुत अच्छा बनाना। नहीं राजमा चावल तो बिल्कुल नहीं खाएंगे हम, ना भटूरे ना कुलचे। आज से पंजाबी खाना बंद, बहुत हो गया। चलो अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, मसाला बहुत डलता है उसमें। बस आपके हाथों की बनी रोटी और परवल की तरकारी खाएंगे। रखते हैं अब, हम बाद में बात करेंगे। हाँ बेटा खुश रहो। भैया आगे से राइट ले लेना। तू घर पे है? सुनीता थोड़ा आइस लेके आ जाना। हाँ ला रही हूँ। विस्की दे मुझे। अबे तू विस्की पीगा दिन में? अब क्या फर्क? भाई साहब अब बिल्कुल टेंशन ना लो, मैं बात करती हूँ निक्की से। अरे क्या बात करेंगी उससे, आपको भी सुना देगी आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति किसे कहते हैं। आप लोग भी ना भाई साहब बच्चों की तरह लड़ते हो, आप तो रहने ही दो, बात तो मैं तो भी करूंगी। हाँ पानी ले आना सुनीता। हाँ स्नैक्स भी लाती हूँ। तू बढ़िया ड्रिंक शिंक मार, खाना खाते हैं, रेस्ट करते हैं, और शाम को निक्की को लेके कहीं घूमने चलते हैं। मुझे नहीं जाना यार। क्या बात है भाई, आज तो हमारा गुरुदत्त दिन में ही प्यासा हो गया। वो ये काम हमारा है। ओ सुनीता बोलिए, एक ग्लास मेरे लिए भी प्लीज। क्या महाराज खुल गई नींद? यार तेरी नींद बड़ी अच्छी आती है। यार कल रात को कितनी दारू पी ली थी तूने? सीधे चलते नहीं बन रहा था तुझसे, बताए? सीधे चलने से थोड़ी छपती है किताबें। बात क्या भाई? कोई टेंशन है? अरे छोड़ ना यार। अरे नहीं यार, मतलब दोस्त है मेरा इसलिए पूछा, फर्ज है अपना। घंटे का दोस्त है तू। ओए ऐसी क्यों बात कर रहा है यार? मौका मिलते ही दोस्त की बीवी पे लाइन नहीं मारते दोस्त। दोस्त अरे ओए किसकी बीवी पे लाइन मारता हूँ मैं? ये लो जी ग्लास और अरे पानी। सुना भाभी आपने, 1,75,444 प्रति बिक चुकी है मेरी निकी। इसे कहते हैं सक्सेसफुल राइटर। बच के रहेगा सक्सेसफुल राइटर से, पोर्नो राइटर है साला। अबे साले sex.com तू क्या लिखेगा सोशल नॉवल? हैं तू तो मस्तराम लिखना, हर तीन दिन में छप जाएगी। ओए रहने जल कुकड़े, मेरी सक्सेस पे जलता है। अबे चट्टी बनियान के आज लिखने वाले, अब बीवी ने पिछवाड़े पे लात मारी तो गुस्सा मेरे पे निकल रहा है। लूजर है तू, लूजर। अबे लूजर किसको बोला बे गंजे, तेरे को फोड़ दूंगा तेरा हाथ। क्या कर रहे हो यार? तेरे को दिखाता हूँ। भाई साहब आप बैठो, मैं ठंडा पानी लाती हूँ। बात करो ना यार, ये क्या हाथापाई कर रहे हो ऐसे? अरे मनु छोड़ इसकी तो मैं। अबे चल जा यार, ऊपर जाके बिल्कुल देख और लिख अपना नॉवल। पास कर आगे बढ़ गए। अबे नाटक कर रहा है ये। अबे बीवी समझ नहीं जाती तो छोड़ क्यों नहीं देता? छोड़ मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ। कमाल करते हो यार। भाई साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अभी आप जाओ प्लीज। ठीक है भाभी मैं ही चला जाता हूँ। पूरा मत मानना भाई साहब। नहीं नहीं यहाँ से भी मैं ही गेट आउट। अच्छा है। सॉरी भाई साहब। बियर की बोतल तेरे ऊपर भेज रहा हूँ मैं, बस। मैं समझाओ उस इडियट को। कथा। मैं कहती हूँ ना, कभी किसी के घर का इमोशनल डस्टबिन नहीं बनना चाहिए, पर सुनते हो? चल यार सॉरी। सॉरी यार। एक तो यार ये दिन का पीना पिलाना बंद करो। हाँ हाँ यार सॉरी। ओके आजा आजा। अरे मतलब बदबू आ रही
यार। मुसाफिर या बेटे। क्या भैया खाली है? भैया खाली है, भाई साहब ऑटो खाली है, बैठो, जाना कहाँ है ये बताओ। आचार्य कलाकार हो रहे हो यार क्यों? थैंक यू। कहाँ जाओगे? पता नहीं यार, ऐसी जगह ले चलो जहाँ दारू मिले इस वक्त। अरे वाह भाई साहब, आप तो भारी कैटेगरी के हो। बैठो, आपको लेके चलता हूँ कुकू जी के आश्रम। भाई साहब बड़े कमाल की जगह है, नाम मजे आना, पैसे वापस भाई साहब। बहुत ही कमाल के है जी कुकू जी। शिवानी मेरी समझ में नहीं आता, एक छोटा सा तुझे काम दिया वो भी तू टाइम से नहीं करती। कितनी जिम्मेदारी संभालू मैं भी, परेशान हो गई हूँ। लेकिन वो इंस्पेक्टर तो बार बार मुझे फोन कर रहा है ना, दिमाग खराब कर रखा है। अरे संभाल लेंगे उसे। हाँ ठीक है, तो सुन पुलिस स्टेशन चला जा, वहाँ इंस्पेक्टर सिंह बैठा होगा, उसको दे देना और बोल देना अगली बार ठीक कर लेंगे, मतलब टाइम से दे देंगे। लड़कियाँ काउंट करके आती हैं। हेलो जी सर, जो आपने मंगाए थे ना ये दो जी। वेलकम है जी। नमस्ते, मैं कुकू। नमस्ते। इस हरे भरे आश्रम का मालिक हूँ जी मैं। अच्छा जी। आपको पहली बार देखा है जी? जी क्योंकि मैं पहली बार ही आया हूँ। अच्छा जी। हेलो। तो आते रहोगे जी आप? यहाँ देखो कितनी शांति है लोगों के चेहरों पर, और यहाँ आके जी सब अपना काम भूल जाते हैं। नहीं मैं भी इसी के लिए आया हूँ। एंजॉय योरसेल्फ सर। थैंक यू लो जी। थैंक यू। ओए शिवानी को ऊपर भेज। छत्ती Excuse me. यहाँ आ जाइए सर। हाँ ओके। अच्छा सुनो भाई। यस सर। वो एक लार्ज विस्की मिलेगी? यस सर। ले आओ यार। ये ले। ये ले। हाँ। एक चाल मेरी भी। अगर मैं होता तो शो करा लेता। लगा दी ना पनौती, लगा दी ना। अब नहीं जीत सकता मैं। ले भाई शोकर। हद हो गई, खुद का खेलते नहीं है, दूसरे के जुए में टांग अड़ाते हैं। किस्मत ही खराब है साला। महीने भर से यूर वेलकम। यूर ऑल्सो वेलकम सर। अब वैसे मैं पत्ते खेलता नहीं हूँ, आज ऐसे ही। हेलो। मैं लहराती बलखाती सी गली से जा रही थी, उस हरामी ने फिर से छेड़ा। ओए मेरी जान मधुबाला। मैंने पलट कर कहा, ओए बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तू बहुत दिल से सुनाती है यार। अच्छा और एक सुनाती हूँ। छोड़ ना यार, चल ना बस ना, अभी काम करते हैं ना। ए रुबीना कुछ पैसे उधार देते यार। अरे यार फिर से उधार चाहिए तुमको, वापस तो देता ही नहीं। अरे वापस तो दे देता मैं, उस पनौती ने पनौती लगा दी मुझे, जुए में हार गया पैसा मैं। 1000 रुपए दे दे। तू कभी नहीं सुधरेगा, ये ले। अरे तू किसी को लेके आएगी मेरे घर पे, एडजस्ट कर लेना उसमें। जा। ठीक है ना, चल। हेलो शो। आप खड़की में बैठ जाइए ना। ओके। आपको पता है आप मेरे लिए बहुत लकी हैं। बाय गॉड क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहा हूँ। इसी बात पर एक बियर हो जाए। हाँ अब एक बियर। यस मैडम। पत्ते बांटिए। बस कीजिए ना, मान जाइए नहीं तो हार जाएंगे, कितना खेलेंगे। रहने दो। ठीक है भाई,
पिंटू थैंक यू वेलकम सर चलिए ना कहाँ कहीं भी रात के अंधियारे में हम चुपके से कुटरगो कुटरगो करेंगे ये क्या कह रही सही कह रही है ये एकदम घर जैसा सुख मिलेगा चलिए ना ठीक आ जाओ भाई आ जाओ अरे इधर नहीं इधर नहीं उधर ये संभालो इसको भी संभालो रोज इतना ही पीते हो बीबी और ये बियर भी संभालो अरे कान लुढ़क गया बे रूबीना मैं निकलता हूँ कोई भी दिक्कत हो मेरे को कॉल कर देना ठीक है ताजी पड़े रहोगे या कुछ करोगे भी ऑटो लेके दे दूंगा लीजिए चलिए ना ऐसे बैठे रहेंगे तो कैसे चलेगा कौन चलेगा नहीं है इच्छा शक्ति तो इच्छा शक्ति बाय गॉड ये नहीं सोया तो रात भर परेशान करेगा मैं ये कुछ करना पड़ेगा ए कमे वापस मत आना ए निकी अरे ऐसे कितना अंधेरा है भाई अब ये सॉरी क्या हुआ ये क्या कर रही हैं आप मैं कहा कर तो आप ही रहे हैं और बाय गॉड सब कुछ भी आपको ही करना पड़ेगा कम रस्विनिश अरे स्टॉप इट प्लीज स्टॉप इट ओके एक बार में समझ में नहीं आती बात प्लीज ये निकी कहाँ गई निकी फोन निकी मुझे क्या है भाड़ में जाए साला मैं तो खाना खाऊंगी पीऊंगी मस्त होके सो जाऊंगी